आप देख रहे हैं दखल न्यूज। और विजन को साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा, राफेल मिलने से बढ़ेगी हमारी ताकत, पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की तरफ आने से भी डरेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को मोदी की दो टूक, पहले आतंकवाद पर लगाम लगाए। एमपी में सियासत गरमाई, मुख्यमंत्री से मंत्री तक सब बोले सरकार को कोई खतरा नहीं। और छत्तीसगढ़ में राइट टू हेल्थ स्कीम को लागू करने की तैयारी, हर जरूरतमंद को मिलेगा इलाज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हम विरासत और विजन को साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है, ये हमारे जहन में है। कमियां हम में भी होंगी लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। सत्ता में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाली पार्टी है, क्योंकि लोकतंत्र हमारी आत्मा है। नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में थे, वह बीजेपी की प्रचंड विजयी के साथ बाबा विश्वनाथ की शरण में आए थे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल राम नाईक के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। उनके साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। मंदिर में मोदी ने विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना की। मोदी की शिव में अपार श्रद्धा है, यही वजह है कि चाहे केदारनाथ हो या बाबा विश्वनाथ, वह दर्शन पूजन का कोई मौका नहीं गवाते हैं। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद उन्होंने हर हर महादेव कहकर अपने उद्बोधन की शुरुआत की और कहा, पारदर्शिता और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मोदी ने कहा, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, उनकी हत्याएं हुई हैं। त्रिपुरा में, बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है। कश्मीर में कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगाई है। केरल में भी कार्यकर्ताओं की मौत के घाट उतार दिया गया है। मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने छुआछूत मिटाने के लिए जिंदगी लगा दी, लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य से राजनीतिक छुआछूत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा कि कमियां हम में भी होंगी लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। सत्ता में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाली पार्टी है, क्योंकि लोकतंत्र हमारी आत्मा है। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र हमारी रगों में है, हमारी जहन में है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जिसमें हमें आज भी अछूत, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुजरात के टूरिज्म प्रमोशन के लिए मैंने सीने जगत के लोगों की मदद मांगी, उन्होंने मदद की, लेकिन सारी दुनिया उन पर टूट पड़ी। आप और गुजरात, गुजरात यानी ऐसा छुआछूत का परसेप्शन बनाते चले हैं। इस चुनौती भी है, भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम में भी होगी लेकिन हमारे इरादे नेक हैं।
विपक्ष को लेकर मोदी बोले कि विपक्ष में चाहे एक ही हो लेकिन उसकी आवाज तो सुनना होगा, लेकिन मुद्दा नहीं होने पर संसद में हो हल्ला होता है। देश के महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, हमने विश्व में कुंभ की छवि बदली है, हम विरासत और विजन को साथ लेकर चलते हैं। देश के सभी राज्यों में भाजपा को वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, फिर भी भ्रम फैलाकर हमें हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित बताया जाता है। राफेल के मुद्दे को जनता ने नकार दिया है। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने राफेल की तारीफ की और कहा राफेल मिलने से हमारी ताकत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की तरफ आने से भी डरेगा। लोकसभा चुनाव के पहले राफेल डील सुर्खियों में रही थी। हालांकि फ्रांस द्वारा तैयार किए गए इस फाइटर प्लेन को आधुनिक तकनीक से लैस माना गया था। अब एक बार फिर भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने लड़ाकू विमान राफेल को लेकर बड़ा बयान दिया है। धनोआ ने कहा कि 2002 में जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ तो पाकिस्तान के पास भारत जितनी हवाई क्षमता नहीं थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तकनीक को अपग्रेड किया था। हालांकि भारतीय वायुसेना को राफेल मिलने के बाद एक बार फिर हमारी ताकत और बढ़ जाएगी, पाकिस्तान तब नियंत्रण रेखा पर आने से डरेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाक के बीच रिश्तों में और तल्खी आई है। हाल ही में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाक खुलकर आमने सामने भी आ चुके हैं। ऐसे में हवाई क्षमता को बेहतर करने को लेकर भारत का विशेष जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को साफ कह दिया है कि पहले आतंकवाद पर लगाम लगाओ। लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई देने के लिए आए इमरान के फोन पर मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि शांति और आपसी सहयोग की किसी भी गुंजाइश के लिए आतंकवाद पर लगाम जरूरी है। पाकिस्तान के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख में कोई नरमी नहीं है। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन पर मोदी को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सहयोग का राग भी छेड़ा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि शांति और आपसी सहयोग के लिए आतंकवाद से मुक्त वातावरण बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को टेलीफोन करने और बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पड़ोसी प्रथम नीति पर शुरू से ही प्रतिबद्ध है। उन्होंने गरीबी से लड़ने के संयुक्त प्रयास को लेकर इमरान को पहले दिए गए सुझाव भी याद दिलाए। साथ ही जोर दिया कि क्षेत्र में शांति, प्रगति, समृद्धि और सहयोग बढ़ाने के लिए हिंसा व आतंकवाद से मुक्त वातावरण बनाना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार बातचीत में इमरान खान ने दक्षिण एशिया में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने की आशा जताई। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि आतंक और बातचीत साथ साथ संभव नहीं है। आचार संहिता खत्म होते ही अब छत्तीसगढ़ में राइट टू हेल्थ स्कीम को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही छत्तीसगढ़ राइट टू हेल्थ स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। इस योजना के लागू होने के साथ ही बिना स्मार्ट कार्ड के हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सकेगी। छत्तीसगढ़ राइट टू हेल्थ स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि नेशनल हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में यह योजना लाई जा रही है। अभी स्मार्ट कार्ड से इलाज को लेकर काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस योजना के लागू होने से सभी प्रकार की बीमारियों के मरीज को उचित चिकित्सीय सहायता सरकार दे पाएगी। इस योजना को लागू करने में बाधा ना आए इसीलिए राज्य के सभी अस्पतालों में जल्द ही 350 पदों की भर्ती भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इस समय घबराई हुई है। यही वजह है कि कमलनाथ एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने मंत्रियों और विधायकों से कहलवा रहे हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। सीएम कमलनाथ भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार पर संकट की बात शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि चार बार फ्लोर टेस्ट हो चुका है, रविवार को हुई विधायक दल की बैठक में सभी विधायक पहुंचे थे, ऐसे में मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है। फिर भी विपक्ष अगर चाहता है तो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर टेस्ट तो चार जगह हो गया, कल हमने विधायक दल की बैठक करी, सब आए थे, और ये इनका मनोबल बनाने के लिए ये इस तरह की बातें करते रहते, पर कोई गवर्नमेंट को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और फ्लोर टेस्ट कराना है, कर लेंगे जी, जी। हमें स्वीकार है, मैं स्वागत करता हूँ कि फ्लोर टेस्ट किया जाए।
लोकसभा चुनाव में मिली हार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच अपनी बात ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए, जबकि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संगठन में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। इस समय कमलनाथ की नजरें अपने विधायकों पर हैं और वह यह भी जानते हैं कि उनके कुछ विधायक पाला भले ही ना बदले, लेकिन वे कमलनाथ के साथ भी नहीं देंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कमलनाथ से नाराज नजर आए हैं। आने वाला समय कमलनाथ के लिए तमाम परीक्षाओं से भरा हुआ जरूर होगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। ऐसे में बीजेपी की चुप्पी और कांग्रेस में उठापटक के संकेतों के बीच मंत्री कमर कसके मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार को किसी से कोई खतरा नहीं है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस में भीतर ही भीतर घमासान मचा हुआ है, लेकिन सरकार न गिरे इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को लामबंद कर शेष विधायकों को जोड़े रखने की जवाबदारी भी दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस और अन्य समर्थन देने वाले विधायकों से खुद संपर्क में हैं। इधर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को आश्वस्त किया कि पूरे 5 साल तक सभी विधायक साथ रहेंगे। गृह मंत्री का दावा है कि सारे विधायक सीएम कमलनाथ के समर्थन में राजभवन तक परेड करने को तैयार है, लेकिन इस मसले पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई असंतुष्ट और कहीं कुछ है नहीं कोई किसी भी विधायक को। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल सर्वानुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले पर जो बैठक हुई है, सारे विधायकों ने सर्वानुमति से ये प्रस्ताव पास किया है कि हम सब ने जो आपको नेता चुना और नेता हमने जो माना है, तो एका दो चार महीने के लिए नहीं माना है, हमने पूरे 5 साल के लिए आपको नेता माना है। पूरे 5 साल तक के लिए हम आपके साथ हैं और जहाँ कहीं अगर विपक्ष को ऐसा लगता है फ्लोर टेस्ट की बात ही बहुमत साबित करने की बात, तो जहाँ जो बोलोगे हम राज्यपाल जी के यहाँ चलने के लिए तैयार, हम विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हम आपको वोट देने के लिए तैयार है, बहुमत साबित कराने के लिए तैयार है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। विपक्ष और भाजपा के लोग इस तरह के का माहौल और वातावरण बना रहे हैं। एक एक मंत्री को 5-5 विधायकों की जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा, सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो विधायकों को अपने जैसा पावर देकर रखें, विकास के काम नहीं रुकने चाहिए। वहीं सिंधिया खेमे की मंत्री इमरती देवी ने कहा कि हम पूरे 5 साल कमलनाथ जी के साथ हैं, लेकिन इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मसीहा बताते हुए कहा, सिंधिया जी सुरेश पचौरी अजय सिंह और अरुण देव को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले तो कांग्रेस और मजबूत हो। जिम्मेदारी राहुल गांधी जी के हाथ में है, देंगे तो वो काम करेंगे, लेकिन एक वो ऐसे नेता है कि अगर उन्हें पद की हार जीत की कोई मतलब नहीं, वो किसानों के गरीबों के जनता के मसीहा हैं। वो अपनी मेहनत के साथ 5 साल काम करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में वो सबकी सुनेंगे। ऐसा नहीं कि वो घर बैठ के देंगे, कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी पूरी दमदारी से, किसी की हिम्मत नहीं है कि कमलनाथ सरकार गिरा देगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व आईएएस अफसर हर्ष मंदर ने जब यह कहा कि अल्पसंख्यक और दलितों का हक अब खतरे में है, तो उनके भाषण के बाद हंगामा खड़ा हो गया। श्रोताओं ने जमकर उनकी क्लास लगा दी। इसके बाद तमाम लोगों ने हर्ष मंदर के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला में पूर्व आईएएस हर्षमंदर के बयान पर खासा हंगामा हो गया। दरअसल अपने संबोधन के दौरान हर्षमंदर ने कहा था कि चुनाव के बाद अल्पसंख्यक और दलितों का बराबरी का हक खतरे में है, अब भारत देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में तैयार करने की कोशिश की जाएगी, इसके साथ ही जनता के दिल और दिमाग में बंटवारा करने की कोशिश शुरू होगी। हर्षमंदर के भाषण के बाद श्रोताओं में बैठे कुछ लोग मंच के सामने खड़े हो गए और मॉब लिंचिंग, गांधी हत्या जैसे विषय पर व्यक्त किए गए विचारों पर आपत्ति लेते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
कश्मीर के आतंकवाद में कितने मुसलमान बोलते हैं, इन्होंने गलत बोला, अपन माने या नहीं माने, भाई एक व्यक्ति के विचार है, व्याख्यान माला का आयोजन स्थानीय जाल सभागृह में किया गया था। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस और अब सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर के भाषण के बाद जैसे तैसे आयोजकों ने मामला शांत किया। हर्षमंदर का कहना था कि भाषण में उन्होंने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं, उस पर लोग असहमत या सहमत हो सकते हैं। हाल में दिनों में देखने में आया है कि बुद्धिजीवी कुछ तो भी बोलकर अपने निजी विचार लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के जागरूक होने से अब तत्काल रिएक्शन सामने आता है और एक तरफा बात करने वालों का हाल हर्षमंदर जैसा होता है। नौ तपे में सूरज जम के तप रहा है, गर्मी का सितम ऐसा है कि कुछ मत पूछिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में पारा 45 डिग्री के पार है, इस कारण पर्यटक परेशान है और पर्यटक स्थल भी दिन भर सुनसान नजर आते हैं। पूरा बुंदेलखंड गर्मी से थर्राया हुआ है, पर्यटक स्थल खजुराहो में भी गर्मी लोगों को जला रही है। खजुराहो में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है और अभी पारे के और ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। गर्मी का सितम ऐसा है कि लोग घरों में दुबक के रहने को मजबूर हैं। वहीं गर्मी की वजह से यहां का पर्यटन उद्योग भी खासा प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही सूरज की तपिश इस कदर बढ़ जाती है कि यहां आए पर्यटक भी होटलों से बाहर नहीं निकलते। गर्मी की वजह से होटल व्यवसाय सहित इससे जुड़े लोग गर्मी के सितम से प्रभावित हो रहे हैं। Prepared ourselves with plenty of light clothing and water. In general, we were ready for the temperatures. Although, once it gets after 10 o'clock in the morning, it is definitely too hot for Europeans, I think. It is very, very hot, but we were prepared for the temperature because we needed to come at this time of the year for a birthday. इस समय तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और सुबह 9-10 बजे के बाद से ही गर्मी का बहुत तेज एहसास होने लगता है और 11 बजे के आसपास ही लगता है कि पूरा शहर खाली हो गया, रोडें खाली हैं, यहाँ पर लोगों का निकलना जो है बंद हो जाता है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। ये बस भिंड से ग्वालियर जा रही थी। भिंड के माधवगढ़ से ग्वालियर जाने वाली बस सुबह बिस्वारी रोड पर मौजूद बिजली घर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा मुसाफिर घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। बस में आगजनी की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। जिस स्थान पर बस में आग लगाई गई वो बस स्टेशन के ठीक पास है। ऐसे में अगर वक्त रहते आग पर काबू न पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और ये सवारी पांच छह सवारी रही होंगी, जिसमें पांच छह सवारी हैं और एक उनकी चोटें आई हैं, कोई घायल नहीं है और सभी को रौनक प्रदान सेवा दिया गया। और अभी जो है सूचना मिली थी लड़के का, वो भी दिखा रही है। एक सवारी ने गुस्सा में आकर के शायद लगा दी है, उसी अभी पूछताछ चल रही है उसकी, रौनक प्रदान थाने। इस बीच पुलिस ने इस हादसे में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। बस में आग लगाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है। लोगों ने बताया ड्राइवर बहुत ही घटिया तरीके से बस चला रहा था। कुछ यात्रियों ने ड्राइवर के पास धीरे और सलीके से चलाने को भी कहा था, लेकिन ड्राइवर नहीं माना और हादसा हो गया। बस भिंड के धर्मेंद्र ट्रेवल्स की है। इसी ट्रेवल्स की बस पिछले दिनों भिंड से अहमदाबाद जाते समय राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में महावारी के कारण महिलाओं में होने वाले रोगों से निदान और महावारी स्वच्छता को लेकर स्वच्छता रथ भोपाल से रवाना कर दिया गया है। इस रथ को महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने रवाना किया है।
ये रथ कुछ खास है। मध्य प्रदेश के तमाम पिछड़े इलाकों में महावारी को लेकर जागरूकता और स्वच्छता के लिए ये महिलाओं को जागरूक करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने रथ को भोपाल से रवाना किया। रथ प्रदेश में घूमकर महावारी के दिनों में महिलाओं को स्वच्छता रखने की जानकारी देगा। रथ में सवार वॉलंटियर महावारी से जुड़े तमाम मिथकों के बारे में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करेगा। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत संत महात्मा अपने दरबारों के माध्यम से भाषा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की धर्म संसद का समापन किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने कहा कि वर्तमान समय में नैतिक मूल्य तेजी से गिर रहे हैं। हमारा मानना है कि साधु संत समाज को नई दिशा दे सकते हैं। संसद आध्यात्मिक अलख जगाने के साथ ही सामाजिक सुधारों को रोकने का काम भी करेगा। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेगा। संत महात्मा अपने दरबारों के माध्यम से भाषा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ये बैठक कार्यकारिणी की है और इस कार्यकारिणी बैठक में सनातन और अपनी संस्कृति सभ्यता सिंधियत भाषा और अपने जो सिंधी समाज सिंध से यहाँ पूरे भारत में बिखर गया, उनको अपनी स्टेट नहीं मिल पाई, मुख्यतः उनको सिंधु तीर्थ के लिए ज़मीन की डिमांड की है और वो सिंधु तीर्थ हम लोग चाह रहे हैं कि मध्य भारत में मिले और मध्य भारत में भी नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान इस बीच में लगभग 5000 एकड़ जमीन हमको मिले तो हम हमारा जिस तरह राज्य होता है इस तरह हम अपनी कल्चर और सभ्यता को वापस स्थापित कर अपनी जो सिंधु संस्कृति है मोहनजोदड़ो और जो ये पूरी सनातन संस्कृति है वो सिंधु से है, उस सिंधु संस्कृति को स्थापित कर सिंधी भाषा। और माननीय प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं बहुत कि कोई भी भाषा देश में लुप्त नहीं होनी चाहिए, शायद आज की सभा ये सिंधी भाषा लुप्त हो रही है इसीलिए कि उनको अपनी लैंड नहीं है, उस लैंड के लिए हमारी ये जरूर दरखास्त जो उनको गई है वो सुनेंगे और सिंधु तीर्थ के लिए हमें वो भूमि और उसके लिए हमें फंड देंगे तो हम लोग उसको स्थापन कर वापस अपनी सनातन संस्कृति को बरकरार रखेंगे। हिंदुस्तान का सिंधी अज प्रोग्राम रखे हो कि असाजे सिंधी समाज के उत्थान ला करण खे काफ़ी साल पाया पर मध्य प्रदेश में संत नगर में पे दफो करो सक्सेस रहा इन सभी जो तय किया कि अस छह महीने में प्रोग्राम टाइप गवर्नमेंट के ही चवन था कि असाखे सिंधु तीर्थ छोकि असो सिंधु प्रदेश जिते कान सजे हिंदुस्तान में सभी जाए तो सिंधु तीर्थ हों तो उत सब जणा जेके भी संत हैं जेके बहरा मांगू अच्छा सब उत मुन्न वगैरह जेके भी शून हर शे उनमें ठहंदी अची करे भली उत रहन भी फॉरेन में अचन तो रहन। स्वामी हंसराज उदासी ने कहा कि अब सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास होगा। युवाओं को सिंधी मातृभाषा से जोड़ने के साथ ही सभी वर्गों को सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया देश के प्रमुख उदासीन दरबार संस्था से जुड़े हैं, फिलहाल उनकी संख्या 130 है, जल्द ही यह संख्या 600 तक पहुँच जाएगी। नौगांव पॉलिटेक्निक के छात्रों और प्रोफेसरों ने ग्रामीण क्षेत्र में गंभीर मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर एक ट्राईबाइक एम्बुलेंस का आविष्कार किया है। यदि इनकी बनाई हुई ट्राईबाइक एम्बुलेंस को हर पंचायत में रखा जाए तो यह ट्राईबाइक एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। पॉलिटेक्निक छात्रों की ट्राईबाइक एम्बुलेंस का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ मध्य वर्ग के उन लोगों की मदद करना है जो प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाने में असमर्थ रहते हैं और सरकारी एम्बुलेंस जिन्हें समय पर नहीं मिल पाती है और इस सब का खामियाजा बीमार मरीज को भुगतना पड़ता है। ट्राईबाइक एम्बुलेंस की सहायता से ऐसे मरीजों को सही समय पर नजदीकी अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। यह ट्राईबाइक एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी आसानी से पहुंच सकती है वह मरीज को जल्द से जल्द उपचार के लिए अस्पताल लाया जा सकता है। जी, ये जो एम्बुलेंस छात्रों द्वारा बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर फोर व्हीलर जो एम्बुलेंस रहती है वैन रहती है जो अस्पताल की वो जा नहीं पाती है उसके कहना चाहिए उस क्षेत्र में जाने के लिए बहुत ही बेहतर छात्रों द्वारा प्रयास किया गया है।
कि ऐसी जो हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती रहती है, जिनको एकदम डिलीवरी की आवश्यकता रहती है, जो उस समय वहाँ पे एम्बुलेंस अगर नहीं पहुँच पा रही है, कभी ऐसा भी रहता है कि बरसात की वजह से रोड ख़राब रहती है, तो उस परिस्थिति में ये अपनी एम्बुलेंस जो ट्राई साइकिल इन्होंने बनाई है छात्रों ने, बहुत ही उमदा एक प्रयास किया गया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, और साथ के साथ जो शहरी क्षेत्र हैं, जो घने शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर फोर व्हीलर आपकी एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, उस क्षेत्र के लिए ये आपकी गाड़ी एम्बुलेंस बहुत ही बढ़िया काम करती है। छात्रों द्वारा ये एम्बुलेंस बनाई गई है, जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हमें बहुत ही असुविधा होती है, जब किसी गांव में कोई बीमार होता है तो वहां तक शहर तक आने के लिए बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ये टू व्हीलर से बनाई गई एक थ्री व्हीलर एम्बुलेंस है, जिसका यूज़ हम ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह के प्रयोग हमारे युवाओं ने किए हैं, इसका अगर सही दिशा में इनका उपयोग किया जाए तो इनके शोध को स्वास्थ्य विभाग और सरकार अगर इसको अमलीजामा पहुँचाता है तो निश्चित रूप से समाज को एक बहुत अच्छा फायदा होगा और ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। आमतौर पर छोटी गलियों में बड़े वाहन नहीं निकल पाते, एम्बुलेंस को भी निकलने में बहुत दिक्कत होती है, और ये मोटरसाइकिल पर बनाई गई एक बहुत अच्छा प्रयोग है, अगर इसको छोटे शहरों में प्रयोग किया जाए तो उसका लाभ भी मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इस ट्राई बाइक एम्बुलेंस को हर कोई चला सकता है, ये और कहीं भी किसी सकरी गली में आसानी से पहुंच सकती है। छात्राओं ने बताया कि हम लोगों ने कई बार देखा कि समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचने पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए ट्राई बाइक एम्बुलेंस बनाई गई है। पॉलिटेक्निक के छात्रों ने बताया कि हम लोगों ने एक पुरानी मोटरसाइकिल ली, इसके बाद कबाड़ की दुकान से मारुति वैन के पुराने पार्ट्स इसमें लगाए ताकि मरीज को जर्क ना लगे। इसे तैयार करने में 2 माह का समय लगा और इसे तैयार करने में लगभग 50,000 रुपए का खर्च आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप बैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, बैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ, मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ये तो है ना रिजल्ट क्या है, सुनामी आ गई, ये बता रही हूँ। दूसरी पार्टियों के टिन टप्पर उड़ते नजर आ रहे हैं, किसी का कुर्ता उड़ गया, किसी का पजामा उड़ गया, सब समेटते फिर रहे हैं, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, और टीवी वाले तो ऐसा गला फाड़े दे रहे हैं जैसे हमारे चैनल पे पहली बार ये और वो, चार लोगों के है ना गले खराब हो गए, बता रही हूँ। हाँ, मेरे पास खबर आई है, ऑपरेशन चल रहा है उनका गले का। मैं तो भैया बड़ा संभल के बोलता हूँ, ये तो चल रहा है। वो बता रही हूँ, ये जातिवाद की राजनीति वगैरह चलने वाली नहीं है, महागठबंधन बहुत मुगालती में था, बता रही हूँ। देखो रिजल्ट क्या आया, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें आ गई भाजपा की, बता रही हूँ। अब तो विकास का मॉडल चलेगा, डेवलपमेंट जो करेगा, जो जनता के काम करेगा वही जीतेगा, बता रही हूँ। ये तो हवाबाजी नहीं चलने वाली अब। और भैया, और भोपाल में देखो भैया, दिग्विजय सिंह है ना कल लठ लिए घूम रहे थे, वो तांत्रिक बाबा को ढूंढ रहे थे, बता रहे हूँ। वो आश्रम में पहुंचे तो बाबा के, तो बाबा अंदर से बोल रहे हैं, भैया बच्चा शांत हो जा, वो मैं साध्वी का शराब लग जाता है, इसके डर के चक्कर में है ना सारी तांत्रिक क्रियाएं उल्टी कर बैठा सारी, ये तो चल जाए। ओ भैया, मैं बता रही हूँ, राजे महाराजों के दिन है ना लद गए, अब है ना जनता का शासन आ गया है, अब जनता है ना जो काम करेगा, विकास करेगा, उनकी खैर खबर लेगा, उन्हीं को जिताएगी। और देखो जो तरह से सिंधिया हार गए वहाँ गुनाह से, उनको हराने वाले उनके सिपा सलाहकार, ऐसा है किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं समझना चाहिए, बता रही हूँ। उनको टिकट नहीं दिया मुकाबले, वो बीजेपी में आ गए, लोग हरा दिया, ये तो चल गया है, बता रही हूँ। और ये को पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो भी भुनभुनाती फिर रही थी इलेक्शन के पहले, बहुत ये इनको पिटाई करवा दी, कुछ कार्यकर्ताओं को मरवा दिया। अब रिजल्ट देख लो, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का शासन आ गया, वहाँ भी सीटें इनकी बढ़ गई हैं। तो ये भैया, ये जो ढंग से चलेगा वही जीतेगा, बता रही हूँ। हाँ, और राहुल गांधी को देख लो, अमेठी से हार गए, जो इनके वहाँ के दादा लड़ते थे, इनकी दादी लड़ती थी, और इनकी घरेलू सीट थी। मैं बता रही हूँ, घर को है ना देखना पड़ता है, पुराना हो जाता है मेंटेनेंस करना पड़ता है, अब मेंटेनेंस नहीं करोगे मान ना सड़कें मान भाई ना कुछ किया तो हारोगे, यही होना है, चूहे बिल्ली दूसरे जानवर आ जाएंगे, मेंटेन नहीं करोगे घर को, तो ये तो चल गया। और बताओ चुनाव में ये मेरे पास आ गया रोता हुआ कल लाउड स्पीकर वाला, बोले मेरे नेताजी आया मेरे पेमेंट नहीं कर रहे, मेरे क्यों? अब वो कह रहे हैं बोले तुम्हारे लाउड स्पीकर के चक्कर में मैं हार गया। तो मैंने कहा उनसे बोलना लाउड स्पीकर गालियाँ तो तुमने दी थी या लाउड स्पीकर ने दी थी, ये तो चल गया। तो एक नेताजी भैया कल डॉक्टर के पास पहुँचे, अपनी लंबी सी जीप दिखाई, बोले इसके कारण हार गया भैया, इसको छोटी कर दो, ये तो चल गया। और राहुल गांधी का भैया इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी दे दो भैया, पार्टी को मजबूत करना है तो कोई मेच्योर पर्सन को लेके आओ, जब तक ये भी मेच्योर हो जाएंगे बाद में धीरे धीरे। हाँ,
और भैया मैं कह रहा हूँ जो फल का जो पेड़ होता है उसमें फल लग जाते हैं तो झुक झुक जाता है, तो इस बार बम्पर जो मेजोरिटी आई है तो मोदी जी भी थोड़े झुके झुके लग रहे हैं और बढ़िया अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने गए, आडवाणी जी के पास गए, मुरली मनोहर जोशी के पास गए, ये तो अच्छी खबर है, अच्छे संस्कार होने चाहिए ये तो अच्छी खबर है। और मैं भी वही आए हैं आप चलाए अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।